हेलो एवरीवन, रेलवे एनटीपीसी रीजनिंग में आप सभी का स्वागत है। और रितिका तोमर मानी की मैं और दबंग नाम का आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। तो वेरी वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से हमारे साथ यहाँ पर जुड़ जाते हैं और यहाँ पर करते हैं धमाकेदार सेशन की शुरुआत। जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं मॉक टेस्ट, है ना। तो भाई मॉक टेस्ट चल रहे हैं हमारे यहाँ पे रेगुलर, ठीक है। तो इन मॉक टेस्ट का हिस्सा बनने के लिए अब भाई 15 दिसंबर को अगर एग्जाम है तो उस एग्जाम को टारगेट भी तो करना है, और टारगेट करने के लिए मतलब हमें डेली डेली मॉक टेस्ट देना जरूरी है, ठीक है। तो भाई इस सेशन को जल्दी से आप लोग क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और क्या कर दीजिए, शेयर, और फिर हम लोग क्लास की स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। चलो अब सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो आप लोग का यूट्यूब का शेड्यूल है पूरा का पूरा। मैम की क्लास यूट्यूब पे कब कब किन किन टाइमिंग्स पर लगती है ये वो सारी के सारी टाइमिंग्स लिखी हुई हैं। तो जैसे कि जैसे हम लोग डेली जुड़ते हैं सेशन से, वैसे वैसे जल्दी जल्दी जुड़ जाओ और यहाँ पे फटाफट से क्या कर दो, सेशन को शेयर कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए मॉर्निंग 8 AM बैंकिंग की क्लास होती है बैंक वाले चैनल पर, दोपहर को 2:30 बजे SSC का क्लास होता है आप लोग का, और शाम को 5:30 बजे हम लोग डेली इसी चैनल पर मिलते हैं, ठीक है। ये तो सबको पता चल ही गया है। अच्छा अब आ जाते हैं हम लोग रेलवे की तैयारी, जो लोग भी कर रहे हैं उनके लिए है प्लस का कोर्स स्टार्ट हो चुका है। भाई मेरे यहाँ पर प्रोफाइल पे आपको ये बैच दिखेगा, आप लोग इस बैच को फुल कोर्स है ये, जहाँ पर प्री प्लस मेंस की तैयारी चल रही है। आप लोग इस कोर्स से अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। कोड आप लोग क्या लगाएंगे, मेरा कोड रितिका टेन इज माई कोड कैपिटल में डालिएगा, और आप लोग मेरे साथ इस रेलवे के बैच में जुड़ सकते हैं, ठीक है। एंड देन अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को ये बैच मेरे प्रोफाइल पर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक। अब अगर बात करते हैं टॉपिक वाइज मैम रेलवे के बारे में तो बात हो गई, लेकिन SSC का क्या, बिल्कुल। तो SSC का जो नया बैच है वो स्टार्ट हुआ है 15 अक्टूबर से, ठीक। मतलब जो SSC का फाउंडेशन कोर्स है जो शुरुआत से हमारा स्टार्ट हुआ है वो आप लोग का 15 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। जहाँ पे आप लोग टॉपिक वाइज क्लासेस कर सकते हो, प्लस ऑल सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकते हैं आप। मैथ, GS जिनसे पढ़ना चाहो उनसे पढ़ो, आप लोग के फेवरेट फैकल्टीज हैं सारे के सारे, है ना। तो आप लोग इस बैच का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, लेकिन हाँ कोड आप लोग को मेरा ही यूज़ करना है, रितिका टेन, जो आप लोग के स्क्रीन के नीचे चल रहा होगा ना ये रितिका टेन, बस वो डालना है आप लोगों को कैपिटल में RITIK। और ये भी मैंने आप लोगों को बताना, मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों को बता देना चाहिए कि भाई नेक्स्ट वीक से ही या फिर नेक्स्ट मंथ, जैसे अगला महीना आने वाला भैया 1 तारीख से, नेक्स्ट वीक से भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई अनअकैडमी के जो प्राइजेस है ना उसमें भाई हाइक होने वाला है। मतलब अनअकैडमी के जो आप लोग के क्या कहते हैं सब्सक्रिप्शन के जो प्राइजेस हैं वो थोड़े से बढ़ने वाले हैं, तो क्यों ना प्राइस हाइक होने वाला है। जब तैयारी अनअकैडमी के साथ ही करनी है तो फिर कल करे सो आज कर, आज करे सो आप, जल्दी जल्दी से आप लोग क्या कर सकते हो। नहीं आशीष भतीजा जी, केवल रीजनिंग के लिए नहीं होता है, वहां पर भी आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। टॉपिक वाइज बैच अनअकैडमी पर चल रहा है, बिल्कुल आप अभिषेक प्रताप सिंह तोमर मेरा बैच ले सकते हैं। आप मेरी प्रोफाइल पर जाओगे तो आपको मेरे कोर्सेज दिख जाएंगे जो कि बेसिक टू हाई लेवल वाले चल रहे हैं। तो आप लोग भाई कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर लेना चाहें तो जल्दी ले सकते हैं, बिकॉज अभी फीस इंक्रीज होने वाली है भाई बहुत जल्दी, अगले हफ्ते से फीस इंक्रीज हो जाएगी। तो जो लोग SSC बैंक रेलवे और कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लोग अगर लेते हो तो आप लोग रेफरल कोड यहाँ पर रितिका टेन यूज़ कर सकते हैं, RITIK10 कैपिटल में आपको डालना पड़ेगा, और जिससे कि आप लोग का अमाउंट जो है वो 10% लेस हो जाएगा, ठीक है। तो 10% लेस के लिए आप सीधे सीधे मेरा जो है कोड यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि भाई फ्री क्लासेस कहाँ मिलती हैं मैम। फ्री क्लासेस डेली सुबह 11 बजे लगती हैं, सारे लोग तो करते हैं क्योंकि वहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर डिस्कशन करते हैं। और मैम अगर 11 बजे टाइम ना हो तो 11 बजे अगर टाइम नहीं है तो शाम को 6:15 बजे, मतलब इसी क्लास के तुरंत बाद भी आप लोग मेरे साथ अनअकैडमी पर फ्री क्लास कर सकते हो 6:15 बजे, 6:15 पर, ठीक है। चलो ओके, तो अभिषेक प्रताप सिंह तोमर जी हाई लेवल वहाँ पे लेवल 2 ही चल रहा है पहली चीज़ तो, है ना। आप वहाँ पे ज्वाइन करोगे तो फाउंडेशन बैच ऑफ कोर्स ऑफ रीजनिंग वहाँ पे लिखा होगा, आपको प्लस का कोर्स दिखेगा, फाउंडेशन कोर्स ऑन रीजनिंग लेवल 2 ही लिखा है वहाँ पे, क्योंकि लेवल 1 और लेवल 2 वहाँ पे मैं दोनों पढ़ा रही हूँ और लेवल 3 भी पढ़ा रही हूँ, है ना। चलो अब आ जाते हैं यहाँ पे, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से आप लोग यहाँ पे फटाफट से इसका आंसर करना है। वेरी वेरी स्पेशल गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। अनअकैडमी पे अभिषेक प्रताप सिंह तोमर आप जाओगे, मेरा नाम यहाँ पे सर्च करो रितिका तोमर, फिर वहाँ पे मेरे कोर्सेस में देखोगे तो आपको बैचेस दिख जाएंगे। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं जो कि क्या है, रितिका टेन RITIK10 कैपिटल में विदाउट स्पेस, ओके। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। असम का रिलेशन भाई आंसर आना शुरू हो चुके होंगे, असम का रिलेशन सबको पता है भाई किससे है, बिहू से, है ना, बिल्कुल। तो केरल का रिलेशन किससे होगा, केरल का जो मुख्य, जो सबसे ज्यादा
क्या कहते हैं, नृत्य जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नृत्य है वो कौन सा वाला है, जो डांस फॉर्म है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत ही फेमस डांस फॉर्म है वो कौन सा है। कुचिपुड़ी तो है नहीं, आंध्र प्रदेश से रिलेटेड होता है, भरतनाट्यम भी नहीं है, कुछ लोग सी आंसर दे रहे हैं, कथक नहीं होता है भैया, मोहिनी अट्टम होता है, तो आंसर यहाँ पे डी वाला आएगा। गलती हो गई पहले क्वेश्चन में ही, ठीक है, हो गई कि नहीं गलती। सी तो बिल्कुल गलत है, आकाश शर्मा, अंकित कुमार, सबका गलत है। ए तो बिल्कुल भी गलत है, मतलब ये भी नहीं मालूम है तुम्हें कि केरल कथक में और कथकली में कितना बड़ा डिफरेंस होता है। जो है केरल का फेमस डांस फॉर्म कथकली होता है, कथकली और मोहिनी अट्टम ये दोनों होते हैं, लेकिन सी वाला नहीं होता। कथक तो उत्तर प्रदेश का है, नॉर्थ इंडिया का है, ठीक है। चलो अब कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे अलग वाला, सबसे डिफरेंट वाला ऑप्शन कौन सा है, जल्दी से बताइए फटाफट से। आज भी हम लोग कोशिश करेंगे कि 30 से ज्यादा प्रश्न हम लोग यहाँ पर करें, तो उसके लिए जल्दी जल्दी से आंसर आप लोग को देना पड़ेगा। चलो बताओ भाई, यहाँ पर अगर आंसर हम लोग करेंगे तो लखनऊ आएगा, क्यों? क्योंकि भागलपुर, वाराणसी और पटना तीनों में गंगा नदी का प्रवाह होता है, गंगा रिवर बहती है तीनों में, लेकिन लखनऊ में तो गोमती रिवर बहती है, तो गंगा नदी बहती है यहाँ पे भागलपुर, वाराणसी और पटना में, ठीक है। लेकिन लखनऊ सबसे अलग हो जाएगा, यहाँ पे तो डी वाला ऑप्शन सबसे अलग है, ये फिर गलत हो गया तुम लोग का। तीसरा वाला चलते हैं, यहाँ पर भी आपको बताना है सबसे विभिन्न, जो सबसे डिफरेंट ऑप्शन है वो कौन सा है। पता करो इन सब चीज़ों के बारे में, पता नहीं करोगे तो फिर गलत होता चला जाएगा, जैसे अभी गलत हो रहा है, बिल्कुल पता करना जरूरी है। चलो बना, कौन सा लगे, सीवी रमन, राजगोपालाचारी, एस राधा कृष्णन, बताइए आचार्य कृपलानी, तो मैं बताती हूँ यहाँ पे आंसर लोग हुआ डी वाला, ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें सीवी रमन से लेकर, राजगोपालाचारी से लेकर, एस राधा कृष्णन से लेकर, सभी लोगों को भारत रत्न अवार्ड मिल चुका है, ये सभी भारत रत्न अवार्डीज हैं, लेकिन आचार्य कृपलानी इस लिस्ट में शामिल नहीं है, भारत रत्न अवार्डीज हैं ये सारे के सारे, ठीक है। इन सभी को भारत रत्न प्राप्त है, लेकिन आचार्य कृपलानी को इनमें से भारत रत्न नहीं मिला था, तो डी वाला आंसर सबसे अलग हो जाएगा। अब आ जाते हैं अगला, इसी सीरीज में आप लोगों को अगला बताना है कि क्या है, रेडियम, पोलोनियम, यूरेनियम, और इसी सीरीज में अगला बताइए, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है, फटाफट से बताना है। आज डी डे है क्या? हाँ हो सकता है डी डे हो, लेकिन अब यहाँ पे डी डे नहीं है, ठीक है बताओ। और हाँ, सेशन को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगता है तो आप लोगों को। चलो 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 चलो, स्टार्ट स्टार्ट। रेडियम सभी लोगों को पता है, रेडियम, पोलोनियम, यूरेनियम, ये सभी क्या होते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, पीरियोडिक टेबल में याद किया होगा, पीरियोडिक टेबल है ना, हालीना के रब से फरियाद है ना, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, ऐसे हम लोग याद करते थे ना केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल को, तो आप लोग को याद होगा रेडियम, पोलोनियम, यूरेनियम, ये सभी क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की लिस्ट में एक और नाम जो शामिल होगा वो कौन सा होगा, ये सभी हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसी लिस्ट में अगला नाम क्या है, थोरियम होगा पहला वाला, बिल्कुल सही, अगर आप लोगों ने पहला नाम दिया है तो, ठीक है बिल्कुल करेक्ट है ना, थोरियम इसका करेक्ट आंसर। ओके, फिर आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, आप लोगों को यहाँ पे बताना है कि सबसे डिफरेंट वाला, जो सबसे अलग वाला ऑप्शन क्या है, वो भी लॉजिक के साथ बताना पड़ेगा जल्दी से, लॉजिक के साथ ही बताना। बन गया, अरे यहाँ पे ऐड करके देखो ना कितना आ रहा है, ऐड करके यहाँ पे आ रहा होगा 22, यहाँ पे ऐड करके देखो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, यहाँ पे ऐड करने पर 18 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ऐड करने पर कितना आ रहा है, 29 आ रहा है, तो सी वाला अलग होगा ना, क्यों, बाकी सारे तो इवन नंबर आ रहे हैं, ये वाला ऑड आ रहा है ना, सी वाला ऐड करने पे, ठीक अलग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही तो अलग है कि सबसे, सबको हम लोगों ने ऐड करा, ऐड करने पर सबसे जो डिफरेंट वाला ऑप्शन आ रहा है वो आप लोगों का कौन सा वाला है, सी वाला, ठीक। चलो, क्योंकि उसका एडिशन 29 आ रहा था, बाकी सबका एडिशन आ रहा है 22, 10, 18, है ना। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा,
आपको यहां पर बताना है जल्दी से बीसी से किस प्रकार संबंधित है, बताइए जरा। मीनू जी आप इस बैच को अटेंड कर सकती हैं, इस क्लास को, यहाँ पे आपका जो है वो हो जाएगा, एमपी पुलिस के लिए भी बन जाएगा, ठीक है, चिंता की बात नहीं। रिजाइन तो आ जाएगी, यहाँ पे भी आपके बन जाएगी, आप इसको भी अटेंड कर सकती हैं रेगुलर, ठीक है। चलो ए एंड बी आर ब्रदर्स, क्या लिखा हुआ है, ए और बी जो है वो क्या है, भाई भाई है, चलो तो बना लो ना यार, ए और बी कौन है, भाई भाई, प्लस पे दोनों पे प्लस का साइन लगाना क्योंकि दोनों ब्रदर्स हैं, ठीक है। अब लिखा हुआ है सी और डी क्या है, बहने हैं, ए का पुत्र डी का भाई है, जो ए का बेटा है सन वो डी का भाई है, ठीक है, और सी और डी दोनों क्या थी, बहने थी, माइनस माइनस इन पे लग गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। बी का सी से क्या रिलेशन है, अरे बी के बारे में पूछा गया है, तो पापा के भाई जो होते हैं वो कौन होते हैं, अंकल माने चाचा जी, तो आप लोग का आंसर यहाँ पे अंकल आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताओ, सी वाला ऑप्शन, ठीक है, आएगा कि नहीं, सी वाला ऑप्शन सही है, अंकल बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पे बताइए जल्दी से आठवां प्रश्न का जवाब, यहाँ पे सबसे अलग वाला ऑप्शन जो है वो कौन सा है। जितने ज्यादा सवाल करोगे उतनी आप लोग की ज्यादा प्रैक्टिस होगी, ये समझ लो कि डेली डेली हम लोग मॉक कर रहे हैं, और डेली क्लास का टाइम ऊपर लिखा हुआ है 5:30 बजे, आप लोग को इसी क्लास में जुड़ना है मेरे साथ। रेलवे के स्टूडेंट जो भी हैं, जो लोग भी 15 दिसंबर को टारगेट कर रहे हैं, है ना, तो उन लोगों को डेली यहाँ पर मेरे साथ जुड़ना है, ठीक। चलो ओके, तो मैंने बताया था शायद इस तरीके का क्वेश्चन कि बोमडिला, नाथुला, शिपकिला, ये सब आप लोगों ने पढ़े होंगे, माउंटेन पासेस होते हैं, पर्वतीय दर्रे होते हैं कि नहीं, पढ़े ना, भूल गए, माउंटेन पासेस होते हैं, पर्वतीय दर्रे होते हैं, लेकिन ल्हासा नहीं होता है, ल्हासा एक जगह का नाम है, एक प्लेस का नाम है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना, यहाँ पे सबसे अलग वाला, सबसे डिफरेंट, बिल्कुल, तो आंसर यहाँ पे सबसे डिफरेंट बी आ जाएगा, है ना। अब आ जाते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ, आपसे पूछा घड़ी में एक दिन में सुइयां कितनी बार एक दूसरे के ऊपर माने संपाती स्थिति में होती है, ये मैंने बताया हुआ है, ठीक है। चलो तो बताओ यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा वाला आएगा, अगर 20 सेकंड्स का टाइम आपको दिया जाए, चलो कितना आएगा, 44 आंसर दे रहे हो, नहीं जिंदगी बीत जाएगी लेकिन ये सवाल याद नहीं हो पाएगा तुम लोग, वो रहने दो तुम लोग, 1000 बार कम से कम मैंने ये सवाल करवाया लेकिन याद कर ही नहीं सकते ना तुम लोग। मैंने बताया था 90 डिग्री के कोण 24 घंटे में 44 बार बनते हैं, संपाती का मतलब होता है 0 डिग्री, और 0 डिग्री के कोण 24 घंटे में 22 बार बनता है, और 180 डिग्री का कोण भी 24 घंटे में 22 बार बनता है, तो इसका आंसर 22 होना चाहिए था, ना कि 44, ठीक है ना। तो भैया फिर क्या है यहाँ पे, तुम लोग क्या आंसर लगा रहे हो, 12 आंसर दे रहे हो बताओ, 11 आंसर दे रहे हो, 44 आंसर दे रहे हो, यार कितने बार बताया, वही लिख लो ना, ये चेंज थोड़ी होता है रोज रोज, जो तुम लोग लिखते नहीं हो अपने दिमाग में भी लिख लो और कॉपी में भी लिख लो, ये चेंज थोड़ी होता है। 90 डिग्री के कोण हर 24 घंटे में 44 बार बनते हैं, हर घंटे में माने हर सर्कल में 2, है ना, और यहाँ पर 0 डिग्री के कोण भाई बनते हैं 22, ठीक है, हर 24 घंटे की बात चल रही है, है ना, और 180 डिग्री के एंगल भी 22 बार ही बनते। चलो अब आ जाते हैं अगले सवाल की तरफ, आपसे पूछा है निम्न में से किस वर्ष का कैलेंडर 2003 के कैलेंडर के जैसा है, माने कैलेंडर रिपीट माने समान कब होता है, ये मैंने पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, नहीं अगर आएगा तो मैं बता दूंगी, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से, सब भूल गए, हाँ भूल जाओगे तो फिर हो गया ना, सिलेक्शन कैसे हो पाएगा, तो भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है। CHSL में ऐसे प्रश्न आ रहे हैं ना, बिल्कुल आ रहे हैं, CHSL में तो वही सारे प्रश्न आ रहे हैं जो मैं करवाती हूँ डेली दोपहर को 2:30 बजे की क्लास में, है ना। क्या होगा आंसर, देखो भाई याद करो कि मैंने बताया था कि जब भी लीप ईयर का कैलेंडर होता है तो वो 28 साल के बाद ही रिपीट होता है। अगर आप लोग ट्रिक्स देखना चाहते हो तो यूट्यूब पे सर्च कर लो 7 मिनट ट्रिक्स चैनल, अगर आप यूट्यूब पे 7 मिनट ट्रिक्स चैनल को सर्च कर लेते हैं, है ना, तो वहाँ पे 7 मिनट ट्रिक्स चैनल को अगर सर्च करोगे वहाँ पे मेरी 7-7 मिनट की बहुत सारी ट्रिक है, वहाँ पे मैंने ये भी बताया गया ट्रिक, यहाँ पे क्या बताइए, लीप ईयर का कैलेंडर 28 साल के बाद रिपीट होता है, और ये लीप ईयर तो है नहीं लेकिन ये क्या है, लीप ईयर प्लस 3 है ना यार, लीप ईयर 2000 रहा होगा
उसमें 3 जोड़ने पर 2003 आया। तो लीप ईयर प्लस 3 का कैलेंडर कब रिपीट होता है, याद करो मैंने बताया था लीप ईयर प्लस 2 या 3 का कैलेंडर 11 साल के बाद रिपीट होता है। इसका मतलब 2003 में 11 जोड़ देना चाहिए था, तो आंसर आ जाएगा 2014 में जाके रिपीट हो जाएगा भैया, आंसर आएगा 2014 ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल लीप ईयर प्लस 2 या 3 का कैलेंडर, लीप ईयर प्लस 2 या 3 का कैलेंडर होता है 11 साल के बाद रिपीट हो जाता है आफ्टर 11 इयर्स, ठीक है। तो आप लोग को 11 जोड़ना चाहिए सिंपल, ठीक है। ओके अगला क्वेश्चन चेक करते हैं, सन अर्थ और स्टार के बीच का सही रिलेशन आप लोग बताएंगे मुझे। गुड इवनिंग भैया, सभी लोग टाइम से जुड़ा करो यार, देखो टाइम है 5:30 बजे। अगर समय की कीमत करोगे ना, समय को इम्पोर्टेंस दोगे ना, तो समय तुम्हारी कीमत करेगा, समय तुम्हें इम्पोर्टेंस देगा। तुम लोग का समय का कोई ध्यान ही नहीं है तो फिर समय भी आपका बिल्कुल ध्यान नहीं रखने वाला है, इस चीज़ को मान लो, ठीक। ओके चलो, ओके अच्छा यहाँ पे क्या लिखा है, सन अर्थ और स्टार ना, सबको पता है भाई स्टार के अंदर आ जाएगा सन, क्यों, सूर्य तो एक तारा होता है ना, सबको पता है स्टार के अंदर आ जाएगा सन, और अर्थ तो अलग हो जाएगी भाई, पृथ्वी तो अलग है यार, पृथ्वी स्टार थोड़ी है। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, पहला वाला बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, तो सब लोगों ने ए लगा दिया तो ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर बताइए ट्राइंगल्स भी बताने हैं और स्क्वायर्स भी बताने हैं, बताओ ट्राइंगल भी बताने हैं स्क्वायर भी बताने हैं, बताओ। अगर स्मार्टनेस लगाओगे, देखो हार्डवर्क और स्मार्ट चीज़ें दोनों होती हैं, हार्डवर्क स्मार्ट वर्क, यहाँ पे हम लोग स्मार्ट वर्क से भी काम कर सकते हैं, हमें हार्डवर्क की जरूरत नहीं। अगर हमें पेपर में निकालना है तो हम लोग थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेशन से भी इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पर आपसे स्क्वायर पूछा गया है ना यार, स्क्वायर तो आपको दिख रहा है सिर्फ इसी वाले में है, ऐसे वाले में स्क्वायर दिख रहा होगा बस, बाकी तो कहीं नहीं दिखेगा ना। स्क्वायर कितने दिख रहे हैं देखो आप लोगों को, यहाँ पे दिख रहे होंगे 1, 2, 3, 4 और एक बड़ा वाला 5, तो सिर्फ 5 स्क्वायर है। आप खुद ही सोचो कि 5 स्क्वायर है तो सिर्फ यही वाला तो बनेगा, 5 स्क्वायर वाला, और तो कुछ है नहीं। लेकिन ट्राइंगल हम लोग फिर भी गिन लेते हैं, तो कैसे गिनेंगे ट्राइंगल, ये देखो इस वाले पार्ट में आपको मिलेंगे 1 × 2 × 3 × 4, मतलब 4 × 2 = 8 हो गया। फिर आपको यहाँ पे मिलेगा 1 × 2 × 3 × 4, है ना, तो 4 × 2 = फिर से कितना हो गया, 8 हो गया, तो 16 मिल गए। 16 के बाद भैया एक तो हमारा ऐसे ऊपर वाला बड़ा वाला और एक हमारा नीचे वाला, तो 18 यहाँ से हो गया, 18 ट्राइंगल 5 स्क्वायर, पता चला, देखो पता भी नहीं चला, ऐसे हो जाते हैं हमारे क्वेश्चन गलत। कुछ लोग कह रहे हैं मैम 6 स्क्वायर आएंगे, 6 स्क्वायर कहाँ से आएंगे, एक ये वाला बड़ा वाला ट्राइंगल, इस वाले की बात कर रही हूँ मैं, एक तो ये वाला ट्राइंगल है बड़ा वाला और एक नीचे वाला है, ठीक है। चलो आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, आपको बताना है यहाँ पे सबसे अलग कौन सा, ये तो तुम लोग एकदम चुटकियों में उड़ा दोगे, बता दोगे ना, ये ऐसा सवाल आ गया तो बताई दोगे। अब तुम लोग सोचोगे क्लासिफिकेशन से एनालॉजी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना यार, इसीलिए तो मैं भी करवा रही, ऐसा नहीं है कि मैं क्यों करवाएं, पूछे ज्यादा सवाल जाते हैं, एनालॉगी से उठा के 5-6 सवाल, क्लासिफिकेशन से उठा के 3-4 सवाल, और अभी एसएससी का पेपर देखो ना यार, डेली डेली पूछे जा रहे हैं, तो ये आते भी ज्यादा है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, गलत भी हो जाते हैं, है ना, अंडर एस्टिमेट मत कर देना तुम। चलो बढ़िया बढ़िया, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, जल्दी से गाइस जल्दी जल्दी रैप अप करो क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैं तुम लोगों को करवाना चाहती हूँ, मैं सोच रही हूँ पर डे 30-30 क्वेश्चन करवाऊँ, उसके लिए आंसर जल्दी जल्दी देना है और देखते ही क्वेश्चन के जवाब बनाना शुरू कर दो। डेफिनेटली यहाँ पे कजाकिस्तान होगा। अब तुम लोग बोलोगे क्यों, क्योंकि यार भूटान, इंडिया और पाकिस्तान ये सभी तो नेबरिंग कंट्रीज है ना, नेबर कंट्रीज है ना, नेबर का मतलब ये सभी तो यार पड़ोसी देश है, ये सभी तो आपके पड़ोसी निकले, नेबर कंट्रीज निकले, लेकिन कजाकिस्तान तो हमारा नेबर है ही नहीं, इसलिए हमारा कजाकिस्तान अलग हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। अगला सवाल ट्राइंगल यहाँ पे फिर पूछा गया है, एसएससी का एग्जाम चल रहा है, रोज ही ट्राइंगल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो क्यों ना हम भी प्रैक्टिस कर लें, शायद रेलवे में भी आ जाए, है ना। चलो तो इस वाले का आंसर बताओ, चीटिंग मत ही करना बस, चाहे कुछ भी करना। चलो 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 जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट 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 फास्ट, हाँ हाँ, तुमने चीटिंग कर ली, देख लिया आंसर तुम लोगों ने, है ना, बस यही बाकी रह गया था दिन देखने के लिए कि तुम लोग चीटिंग करो।
32 आ रहे हैं, लेकिन 32 के अलावा हिडन वाले कौन निकालेगा, जो छुपे हुए हैं 32 के अलावा हिडन वाले कौन निकालेगा। देखो मैं बताती हूँ, ऐसा जब भी फिगर हो ये तो समझ ही लो, ऐसा जब भी फिगर हो ये तो मैडम ने ट्रिक बताई थी, जितने पार्ट से उनका मल्टीप्लीकेशन हम 2 से कर लेते हैं, 1 2 3 4, 4 2 8 तो हम पहले से कर ही लेते हैं ना यार, ये तो हमें पता ही है पहले से, है ना। तो इसमें तो कोई बड़ी चीज़ है नहीं। चलो तो मैं बता देती हूँ इसमें क्या करना है आप लोगों को। देखो अब आप लोगों ने गिना, यहाँ पे गिनना शुरू किया, गिनना शुरू किया तो 8 आपको यहाँ से मिला, 8 आपको यहाँ से मिला, 8 यहाँ से मिलेगा और 8 आपको बीच वाले में से, मतलब 8 6 32 तो हमें वैसे भी मिल गया और 32 तक तो सारे लोग पहुँच भी गए हैं, तो मेरे को ज़्यादा कुछ कष्ट उठाने की जरूरत नहीं। 32 के बाद गिन रहे, 32 के बाद देखो यार, एक तो आपका ये वाला बनेगा ना, ठीक, एक आपका ये वाला ट्राइंगल बनेगा, ये देखो सही बात है। चलो एक आपका फिर ये बन गया, एक आपका ये वाला बन गया, रेड से इसलिए बना लो ताकि दिख जाए। 4 और मिले कि नहीं मिले, 4 और मिल गए तो भैया 32 के बाद 4 और जोड़ लो 36 हो गया, ठीक है 36 तक हमारी गाड़ी पहुंच गई है। अब आ जाते हैं भैया, सबके मन से डाउट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मैम ने आखिर ट्राइंगल बता कहाँ से दिया, हमें पता ही नहीं चल पाया, वो नहीं होना चाहिए, वो वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर 32 के बाद यहाँ पे 4 और निकाले थे, फिर एक ये बना और आप लोग का एक ये बन गया है, 2 और निकल गए हमारे पास, ठीक है। तो 2 और निकल गए हैं तो मतलब यहाँ पे 2 और ऐड कर दो, 36 तक पहुँच गई है गाड़ी, कितने तक, नहीं 38 तक गाड़ी हमारी पहुँच गई, ठीक 38 तक हो चुका है। अब यहाँ पे मैं 2 और बता देती हूँ बड़े वाले, वो तुम लोगों ने अभी तक नहीं गिने, ये वाला, ये एक यहाँ से यहाँ तक पूरा ऐसे निकलेगा, 3 वाला और एक ये वाला निकलेगा बड़ा वाला, दिस वन। बताओ इस छोटे से फिगर में कितने सारे ट्राइंगल निकल गए, ये तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। तो प्लस 2 और हमने ऐड कर लिए और आप लोग ऐड करके देखो, सबको 40 ही आंसर आएगा, तो जितने लोगों का 40 आंसर आ रहा है उनका करेक्ट है, बिल्कुल सही। 40 वालों के लिए एक बार क्लैपिंग होनी चाहिए, 32 वालों को 36 वालों को थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक। चलो 40 बन गए ना, बिल्कुल बन जाने चाहिए 40। अब आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बताओ भैया आंसर इसका क्या, हिंदी में पढ़ लो, इंग्लिश में पढ़ लो अच्छे से, और हाँ 400 लोग देख रहे हो, शर्म करो यार, लाइक कर दो एक बार जल्दी से, ठीक है। लाइक करने को बोलो तो पता नहीं तुम्हारे बेहोशी आ जाती है तुम लोगों को, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, कम से कम 300 तक पहुंचा दो, मैम के कहने से, अपने दबंग मैम के कहने से इतना तो कर ही सकते हो ना यार। सोचो मैम रोज रोज आती है पढ़ाने इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ, तो एक बार 300 तक पहुंचा ही सकते हैं आप लोग। हाँ बिल्कुल, चलो थैंक यू सो मच। बताओ क्या पड़ेगा। इसने बोला हमारे पास 4 रोड है मेन डायरेक्शंस में, भैया मेन डायरेक्शन ये होती है ये, दिस इज कॉल्ड मेन डायरेक्शन, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है, 4 इसके पास मेन डायरेक्शन है और कुछ भी नहीं है इसके पास, इसने ऐसा ही बोला है कि 4 मेन डायरेक्शन है। अब 4 मेन डायरेक्शन है तो लिखा है इसमें मैं पश्चिम दिशा से आया हूँ, तो भैया ये पश्चिम दिशा से आ रहा है, ठीक है आ रहा है पश्चिम दिशा से, लिखा है बस स्टैंड जाना चाहता हूँ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। द रोड टू द लेफ्ट लीड्स मे अवे टू रिवर, जो हम लेफ्ट में मुड़े यहाँ से तो वो हमें नदी की तरफ ले जाएगी, मतलब लेफ्ट में अगर जाएगा ऊपर की तरफ तो ऊपर क्या आ रही है, रिवर आ रही है, यहाँ से समझना। सीधे सामने की ओर जाने पर जो सड़क है वो हमारी मार्केट की तरफ जा रही है, जो हम सामने जाएंगे मतलब ईस्ट की तरफ जाएंगे तो हमारी मार्केट की तरफ चली जाएगी, है ना। और लिखा है अब हमें यहाँ पे पूछना बस स्टैंड किस दिशा में, अरे यार लेफ्ट वाले पे रिवर आ गई, सामने वाले पे मार्केट है, तो बस स्टैंड डेफिनेटली नीचे की तरफ ही होगा और नीचे वाले की जो दिशा होगी वो आपकी कौन सी होगी, साउथ वाली दिशा। तो इसने बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया, दैट इज साउथ। तो अगर सबका साउथ आया है तो बिल्कुल करेक्ट है, वरना तो गलत हो गया भैया। साउथ करेक्ट आंसर, क्योंकि मेन डायरेक्शन में ही जाना था और कहीं टेढ़े बेढ़े आए बाएं दाएं कहीं नहीं जाना था, ठीक है। अगला सवाल बताइए, प्लस के विपरीत बता दीजिए यार, डाइस का सवाल डेली पूछा ही जा रहा है, एसएससी के पेपर चल रहे हैं उससे कुछ सीखो, डाइस का सवाल एक पूछा ही जा रहा है, चाहे क्लोज्ड वाला हो चाहे ओपन वाला हो, लेकिन मैंने तो तुम लोगों को दोनों करवाए हैं, ओपन भी करवाया है क्लोज वाला भी करवाया है, तो गलत मत करना, ठीक है, गलत करोगे तो पिटाई पड़ेगी, मैं बता रही हूँ सीधी सी बात। चलो क्या बनेगा, प्लस का पोजिशन नहीं बता पा रहे हैं, अरे बताओ ना।
बता रहे हो? चलो देखो मैं बताती हूँ, यहाँ पे परसेंटेज कॉमन है, यहाँ पे स्टार कॉमन है, तो यहां से बचा क्या है? एट द रेट। एट द रेट का विपरीत क्या हो गया? एंड हो गया। ठीक है, अच्छा पहले दूसरे में देखोगे तो स्टार कॉमन आ रहा है और एट द रेट कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचा? डॉलर बचा पहले वाले में, और डॉलर के साथ बचा परसेंटेज। अब खुद ही बताओ यार, एट द रेट का एंड हो गया, डॉलर का परसेंटेज हो गया, बचा क्या है? स्टार, और यहाँ पे प्लस बचा है, और क्या बचा है? स्टार। तो प्लस का अपोजिट तो स्टार ही होगा ना यार, तो स्टार वाले पे टिक कर दो तो सी वाला आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल सही। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं बहुत जल्दी से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे निकालेंगे, बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये भी सरल सवाल है लेकिन आंसर नहीं बता पाता है कोई। सवाल सरल है बट आंसर कोई नहीं बता पाता, पता नहीं क्या चक्कर है इस सवाल में। हाँ 6:15 वाली क्लास को जरूर ज्वाइन करना है अनअकैडमी पे। अनअकैडमी की लिंक, या तो आप मेरा नाम वहाँ पे सर्च कर लो अनअकैडमी पे, तो आपको मेरी क्लास मिल जाएगी। नहीं कर पा रहे तो इसी वीडियो के नीचे आपको मेरी अनअकैडमी की लिंक मिल जाएगी, उससे डायरेक्टली आप पहुँच सकते हैं। ठीक है, चलो मेरा नाम सर्च कर लीजिए, रितिका तोमर, RITIKTOMER, ये मेरा नाम है। आप अनअकैडमी पे किसी भी कैटेगरी में सर्च करोगे, अभी 6:15 बजे मेरी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, जहाँ पे हम लोग रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करते हैं। अनअकैडमी पे बहुत सारा टाइम होता है हमारे पास पढ़ने के लिए, 1 घंटा पूरा का पूरा, तो आधे घंटे पढ़ो तुम तो, मैं तो ये कह रही हूँ, लेकिन जुड़ना जरूरी। क्या बना बताओ? नहीं बन पाया? अरे यार देख, 29 में से 35 आए, मतलब 6 ऐड हो गया, यहाँ पे 4 ऐड हो गया, यहाँ पे 2 ऐड हो गया। अब तुम लोग देख रहे होगे यहाँ पे सीधे 6 घट रहे हैं ना, तो यहाँ पे 2 घट रहे होंगे और यहाँ पे 4 घट रहे होंगे, तो सीरीज क्या बन रही थी पता है? +6 +4 +2, फिर चल रही है -2 -4 -6। तो बताओ यार, 41 में से हम लोग -2 अगर करेंगे तो 39 ही तो आएगा। आ गया 39, बिल्कुल सही। समझ गए मतलब, है ना? चलो ठीक है, समझ गए तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही है। डबल डिफरेंस नहीं है, एक ही बार डिफरेंस है। +2 +4 +6 +4 +2, फिर -2 -4 -6, सीधा सीधा पैटर्न है, कुछ भी नहीं। चलो अगला देखें, यहाँ पे बताओ यार क्वेश्चन मार्क की जगह क्या है? तो सीरीज लेकिन कुछ इंग्लिश के वर्ड्स लिखे हुए हैं, पता नहीं क्या लॉजिक लग रहा है। चलो टाइमर स्टार्ट कर देते हैं। हेलो प्रदीप कुमार चौरसिया जी, हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग भैया, लाइक कर दो भैया, लाइक कर दो। चलो 400 लोग देख रहे हैं, कम से कम मैंने बोला था 350 तक तो लाइक पहुंचा दो यार, 350 प्लस लाइक्स भी अगर हो जाएंगे अभी के अभी तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, मुझे भी तो थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए, मेहनत का फल मुझे भी तो मिलना चाहिए, है ना? तुम्हारे वीडियो के बदले में मुझे क्या मिलता है? सिर्फ लाइक्स। ठीक, तो देखो मैं बताती हूँ यहाँ पे क्या पैटर्न है, कुछ भी नहीं। एरर में 5 लेटर, मनी में भी 5 लेटर, कैमरा में 6 लेटर, एनिमल में भी 6 लेटर हैं, तो टेलीग्राम में 8 लेटर हैं, तो भैया टेलिस ऐसा वर्ड ढूंढो जिसमें भी 8 लेटर है, 8 लेटर वर्ड वाला कोई नहीं हमारे पास, सी वाला ऐसे है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? सही बात। चलो बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कीवी, ऑस्ट्रिच, ईगल, पेंगुइन, कौन सा अलग है बता सकते हो? ईगल माने होगा बाज, चलो क्या बनेगा? ईगल, अरे सबसे ऊंचा उड़ता है यार बाज, है ना? सबसे ऊंचा उड़ता है बाजी तो है, और कोई नहीं उड़ सकता सबसे, बाज से भी ज्यादा, ईगल से ज्यादा, सबसे ऊंचा बाजी है, तो सी वाला आएगा यहाँ। ओके अगला क्वेश्चन करें, और भाई ये रेलवे का मेरा बैच चल रहा है भाई, जो लोग भी 15 दिसंबर की तैयारी चल रही, प्लस का कोर्स धमाकेदार चल रहा है, धमाकेदार तैयारी चल रही प्लस के कोर्स पे, रितिका 10 कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, और SSC का भी स्टार्ट हुआ है नया, 15 अक्टूबर से ये बैच है। बेसिक टू हाई लेवल टॉपिक वाइज क्लासेस सारी की सारी यही मिलेंगी, इसमें भी आप रितिका 10 कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अब आ जाते हैं भैया अगले सवाल की तरफ। BSE का संबंध है भारत से, NASDAQ किससे रिलेटेड? नहीं बता पा रहे, नहीं समझे? BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो शेयर मार्केट होता है ना हमारे भारत का, जो नाम है भारत में जो शेयर मार्केट का नाम है क्या है?
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो NASDAQ क्यों, यहाँ पर कहाँ की कंपनी है, जापान की है, यूएसए, कनाडा या चाइना की, ये बताओ तुम लोग जरा जल्दी से फटाफट से। क्या रीजनिंग में उल्टा लॉजिक लगता है? हाँ ये बात तो है, रीजनिंग में जो हमें लगता है ना वो होता नहीं है। ठीक, कीवी यहाँ पे फल नहीं है, कीवी वर्ड बर्ड का नाम है, न्यूजीलैंड की बर्ड भी है भाई, ये भी तो सोचो। NASDAQ क्यों कहाँ की कंपनी है भैया? यूएसए की कंपनी है। ठीक है, अमेरिका, बिल्कुल सही, अमेरिका पे पहुंच गए तुम लोग, ये तो बहुत सही आंसर रहा। अब यहाँ पे बताओ यार, थोड़ा मिसिंग नंबर कहीं ढूंढ पाओगे क्या? क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला, माइंड एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन आ गया। ये जो मिसिंग नंबर टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं ना, और सच्ची में बहुत मजा आता है, क्यों, यहाँ पे दिमाग से हम लोग शार्पन, और हमारा दिमाग और शार्प हो जाता है जब हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से मुझे बताएं। ओके, मैथ्स की क्लास अभी नहीं हो पा रही है, लेकिन जल्दी आपकी मैथ्स की क्लास लगने लगेगी, डोंट वरी अबाउट दैट। चलो बताओ क्या बनेगा, आया कुछ आंसर? अभी तक मुझे किसी का आंसर नहीं दिख रहा है। नो 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 नो, अभी तक मुझे किसी का आंसर मिला ही नहीं। हाँ ये मयूर का आंसर आ चुका है, 18 आंसर। अपर्णा का आया, बिल्कुल सही, ठीक है। ओके, हिमांशी गुप्ता का भी ठीक है, बाकी सबका तुक्का चल रहा है ना। तो देखो मैं बताती हूँ, 7 में से 6 माइनस करो ना 1 आ रहा है, 9 में से 4 माइनस करो 5 आ रहा है, और 5 वन 5 होता है, मल्टीप्लीकेशन कर दो, 11 में से 2 माइनस करोगे 9, 8 में से 6 माइनस करोगे 2, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आएगा, 18 आ जाएगा। तो आप लोग का आंसर यहाँ पे डी होना चाहिए। आया मजा? चलो कोई बात नहीं, अगला सवाल देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे बताइए भाई क्या होने वाला है, 25 से 30 सवाल कब के कर चुके पता भी नहीं चला, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं, पता कहाँ चल रहा है। चलो क्या बना, अरे भाई सबको ऐड करोगे कॉलम वाइज, सबको ऐड करोगे कॉलम वाइज ना, करके देखो बन रहा है, सबको ऐड करोगे वाइज आएगा, यहाँ पे भी ऐड करोगे वाइज आएगा, सबको ऐसे ऐड करो कॉलम वाइज। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 9 आ रहा है ना, 9 में क्या जोड़ दे, सॉरी 9 नहीं आ रहा, 9 प्लस 2 कितना आ रहा है, यहाँ पे 11 आ रहा है, तो 11 में 11 और जोड़ देंगे ना तो वाइज आएगा, मतलब यहाँ पे 11 आना चाहिए, 11 प्लस 11 बराबर 22, तो हमारा ऑप्शन जो है आंसर करेक्ट वो हमारा 11 आना चाहिए, सही बात है। ठीक है चलो अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक पंक्ति में राहुल बाएं छोर से 10वें स्थान पर और दाएं छोर से 15वें स्थान पर, तो पता लगाएं कि पंक्ति में लड़के कितने हैं। चलो चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकालते हो आप लोग जल्दी से। स्टेनोग्राफर के लिए ऑलरेडी बैच चल रहा है, नया स्टार्ट हुआ है फाउंडेशन से, प्लस पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, पंकज शर्मा जी, बता चुकी हूँ मैं, कितने बार बता चुकी हूँ, CGS EHSL स्टेनोग्राफर, ठीक है, सारा बैचेस चल रहा है ऑलरेडी, प्लस पे आप रितिका 10 कोड लगा के यूज कर सकते हो। चलो 24 आ गया, हाँ बस गलत हो गया ना, 24 वालों का गलत हो चुका है, नंबर कट चुके हैं, क्यों, अरे 10 ऐड करा लेफ्ट से, राइट से 15 रैंकिंग थी, मैडम ने बताया था 25 करो माइनस 1 करो 24 आ जाएगा, लेकिन ये 24 टोटल है, टोटल इस लाइन में, लेकिन लड़के कितने कैसे पता चलेगा यार, ये तो बताओ, तो आंसर आएगा तय नहीं कर सकते, पांचवा 24 वालों का गलत हो चुका, इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नहीं आता ना, तभी तो कहते हो फाउंडेशन वाले बैचेस को ज्वाइन करिए प्लस पे, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, बेस क्लियर नहीं, बिल्डिंग कहाँ से, बिल्डिंग कहाँ से बनेगी, कहाँ से बनेगी,
जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा, सही बात है। चलो कोई बात नहीं, पांच पाएगा इसका आंसर। लड़के कितने पता नहीं चल पाएगा, कभी पूछा जाता कि लड़कियां कितनी तो भी हम लोग नहीं बता पाते, है ना। चलो कोई बात नहीं, अगला देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर करिए फटाफट से। 19 अप्रैल 2017 को है शनिवार, 26 सितंबर तक जाना है, शेष दिन निकालने पड़ेंगे आप लोगों को बस। चलो निकालो, कितने दिन होंगे शेष। हाँ वो मेरा ही बैच है, प्लस का कोर्स है मेरे साथ साथ, वहाँ पे मैथ्स की क्लासेस पढ़ने के लिए मिलेंगी, रीजनिंग की, जीएस की क्लासेस पढ़ने के लिए मिलेंगी, इंग्लिश की क्लासेस, सारी क्लासेस पढ़ने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है। पंकज शर्मा जी बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो, प्लस का बैच है, सही बात है। चलो ठीक है। अब भैया 400 से ज़्यादा लोग देख रहे हैं, तो क्या आप लोग कैन यू प्लीज़ यहाँ पर लाइक कर सकते हैं आप लोग। 400 लाइक अगर पहुँचा दो तो यार मज़ा आ जाए इस सवाल के साथ साथ, है ना। कब से धड़ाधड़ सवाल करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, बताओ। अच्छा आप सुनना मेरी बात, 19 अप्रैल, अप्रैल के दिन 19 थोड़ी काउंट होंगी, 30 दिन होते हैं, 19 हटा दो, बचे कितने हमारे पास, 11 दिन बचे अप्रैल के बाद, मई में 31, जून में 31 होते हैं, जुलाई में भी 31 होते हैं, अगस्त में भी 31 होते हैं, सितंबर में सिर्फ चाहिए 26, सबको डिवाइड कर लो, 7 से शेष दिन निकाल लो, कितने बच रहे हैं, 11 के बाद बचेंगे कितने, 4, 31 के बाद कितने बचेंगे, 3, 30 के बाद कितने बचेंगे, 2, फिर 31 के बाद 3, मतलब टोटल के बाद 6 हो गए, यहाँ पे ये 2 बच रहा है, 2 है ये, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे 21 चला जाएगा, 5 ही बचेगा, तो यार कुल निकाल लो, 5, 2, 7, 4, 6 बचेगा टोटल में, कुल मिलाकर 6 शेष दिन आएंगे। शनिवार में 6 ऐड कर दो या 1 घटा दो, आंसर तो फ्राइडे आएगा ना। ओ भैया गलत आंसर आ रहा है, फ्राइडे आना चाहिए, शनिवार में 6 जोड़ना, क्यों, ये वाले 4 और 3 7 फिर से चले गए, ये वाले 5 और 2 7 फिर से चलेगा, 6 बच रहा है आपका, अगर 6 ऐड करना है शनिवार में या 1 घटाना है, फ्राइडे पे पहुंचेंगे हम, सही बात है ना। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। अब आ जाते हैं कि ये बताइए जल्दी से, सेशन को लाइक कर दीजिए, आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज कृपया करके अपने दबंग मैम के लिए लाइक तो कर ही सकते हो तुम लोग। दूसरी चीज, यहाँ पर अभी 6:15 से अनअकैडमी पे क्लास शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। मेरा नाम नीचे लिखा हुआ है, फॉलो मी एज रितिका तोमर लिखा हुआ है नीचे, RITIKATOMER, इस नाम को सर्च कर लीजिए आप लोग अनअकैडमी पे, और अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस करो, फ्री है भैया, फ्री है, डेली 2-2 क्लासेस फ्री लगती हैं, सुबह 11 बजे और शाम को 6:15, फ्री वाली क्लास में भी ज्वाइन करो, वहाँ पे रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो रितिका तोमर नाम से सर्च कर सकते हो, नहीं मिलेगा तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे नाम का लिंक मिल जाएगा, और लिंक के थ्रू डायरेक्टली आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। लिंक पे सीधे, लिंक से क्लिक करोगे सीधे मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी, फॉलो कर लेना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें, ठीक है। चलो अब कितने लोग आने वाले हैं अभी जल्दी जल्दी से अनअकैडमी फ्री क्लास में 6:15 से, वो लोग जल्दी से जुड़ जाइए, और अच्छा लगा सेशन तो प्लीज़ कृपया करके लाइक कर दीजिएगा ईमानदारी से। ऊपर वाला सब देख रहा है बेटा, पढ़ भी रहे हो और लाइक भी नहीं कर रहे हो, बेटा पाप पड़ेगा रेलवे में, रेलवे की कसम है तुम लोगों को, देख लेना। अब तुम लोग कहोगे मैम पता नहीं कैसी कैसी बातें करती है ना, हाँ यार मैम तो ऐसी ही बातें करती है। चलो यार एक सवाल मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी तुम लोगों से, क्या ये सेशन आप लोगों के लिए अच्छा लगा, क्या ये सेशन अच्छा था, कमेंट सेक्शन में सिर्फ येस और नो में आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। क्या ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल था, कमेंट सेक्शन पे येस और नो, कमेंट सेक्शन मतलब वीडियो ख़त्म हो जाने के बाद, ठीक, वीडियो ख़त्म हो जाने के बाद बता देना येस और नो अच्छा लगा कि नहीं, ठीक है। फ्री क्लास की टाइमिंग नोट करो, 11 बजे होती है, दूसरी फ्री क्लास होती है आप लोग की 6:15, ठीक है भैया, 6:15 अभी मैं क्लास करने जा रही हूँ, वहाँ पे चले आओ, चलो 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 अनअकैडमी पे, चलो चलो सारे लोग अनअकैडमी पे, ठीक है। हाँ अब आ जाते हैं जल्दी से हम लोग कि मैम अगर हमें सब्सक्रिप्शन लेना है तो हम कैसे लें। भाई देखो ये मैं बता दे रही हूँ, SSC CGL के लिए, CHSL के लिए, CPOGD स्टैनो के लिए, JEE के लिए और UP और दिल्ली पुलिस के लिए हमने ये बैच शुरू किया है। ये बैच अभी नया है, 2 या 3 क्लासेस हुई हैं यहाँ पे, ठीक, अभी से नया ही शुरू हुआ है, मंडे से शुरू हुआ है ये बैच आप लोग का, ठीक है। यहाँ पे आप रीजनिंग के साथ साथ ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो ना भैया, प्लस की क्लासेस में तो सारे सब्जेक्ट हम लोग पढ़ सकते हैं। मैम ये बैच क्यों ज्वाइन करें, क्योंकि टॉपिक वाइज क्लास मिलती है ना। मैम ये बैच क्यों करें, क्योंकि सारे टॉपिक शुरू से बेसिक से हाई लेवल पढ़ाए जाते हैं। मैम ये बैच क्यों करें, PDF भी मिलता है, और मैम ये बैच क्यों करें, रीजनिंग के साथ साथ सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन हमें कैसे लेना चाहिए, ये तो आपका SSC का बैच हो गया, रेलवे की तैयारी जो लोग कर रहे हैं ना भाई,
ठीक है, जो लोग भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ये देखो आप लोगों का रेलवे का भी बैच, भैया मेरा CBT 1 और CBT 2 के लिए, दोनों के लिए मैंने बैच लगा दिया है। इस समय 2+ कोर्सेज चल रहे हैं, SSC और रेलवे दोनों के दोनों, ठीक है, बढ़िया तरीके से यहाँ पे तैयारी चल रही है, मज़ेदार। और हाँ एक चीज़ और सुन लो, अनअकैडमी के प्राइजेस बढ़ने वाले हैं, माने रेट इंक्रीज होने वाले हैं, तो बढ़ जाएंगे अगले हफ्ते से। इससे पहले कि अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाह भी रहे हो, सोच भी रहे हो, तो जल्दी से फटाक से ले लो। कैसे लेना है और कोड क्या यूज़ करना है, कोड तो यार मेरा अगर नहीं लगाया तो पिटाई पड़ेगी बहुत सारे तुम लोगों को, ठीक है। चलिए तो भाई जल्दी से हम लोग क्लास की यहाँ पर मैं बता देती हूँ कैसे आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। सबसे पहले आप अनअकैडमी के होम पेज पे जाते हैं, अपनी कैटेगरी चुन लीजिए, रेलवे SSC का लेना है तो SSC चुन लो। सबसे पहले तो वहाँ पे कैटेगरी ऊपर लिखी होगी, जैसी कैटेगरी चूज कर लोगे ना तो यहाँ पे साइड में 3 लाइन्स आएंगे, 3 लाइन्स पे क्लिक करोगे सबसे पहला ऑप्शन खुलेगा प्लस, बस उसी पे क्लिक कर लेना सबसे पहले वाले पे। फिर आ जाएगा गेट सब्सक्रिप्शन, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कर लेना। अरे भाई फिर पूछेगा 12 महीने का चाहिए 24 महीने का चाहिए, सब लोग 12 महीने और 24 महीने का ही खरीदते हैं, उससे कम तो कोई खरीदता नहीं, क्योंकि एक महीने में तो कोई तैयारी होती नहीं है, मतलब 1 साल का या 2 साल का। फिर करते हैं कि भाई यहाँ पे मैडम हमें पूरे पैसे ना देने पड़े, इसलिए हम कोड लगाएंगे, कोड क्या लगाएंगे, RITIKA10, क्यों भैया मैम से पढ़ते हैं, मैम फेवरेट है तो मैम का ही कोड लगाना चाहिए, RITIKA10 कैपिटल में लगा देना, विदाउट स्पेस, स्पेस मत देना, ठीक, RITIKA10। लता गौतम जी बैंक की क्लास मेरी लगती है सुबह सुबह 8 बजे डेली, ठीक है, वहाँ पे IBPS की क्लास लग रही है। चैनल का नाम नोट कर लो, वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम्स, चैनल का नाम है वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम्स, सुबह 8 बजे डेली क्लास लगती है। अब मैडम ये कोड लगाने से क्या फ़ायदा, फ़ायदा ये है कि 10% अमाउंट तुरंत कम हो जाएगा, ठीक है। अगले पेज पर जाना पड़ेगा, यहाँ पे नीचे लिखा होगा प्रोसीड टू पे करके अगले पेज पर जाओगे। ये प्रोसेस जैसे मैं बता रही हूँ बिल्कुल वैसे ही करनी है, A2 जरिए, मोबाइल के स्क्रीनशॉट है, जैसा जैसा आता जाता है बिल्कुल उसी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे लास्ट में आपका फाइनल, जब प्रोसीड टू पे करोगे तो फाइनल पेमेंट दिखेगा, ये रेलवे का है 1 साल का, सोचो 4000 रुपये में ऑल सब्जेक्ट, वो भी टॉप एजुकेटर्स, यार अनअकैडमी से ज़्यादा टॉप एजुकेटर पूरी दुनिया में नहीं है, कहीं इंडिया में बात अगर हम लोग कर ले, ठीक है, तो भाई 1000 मतलब 4000 रुपये 1 साल के लिए सारे एजुकेटर्स की फीस है, ठीक है। अब यहाँ पे अपने फ्री कॉइन्स भी तो एप्लीकेबल कर सकते हो, जो आपको अनअकैडमी फ्री क्लासेस से मिलते हैं उससे भी 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, टोटल 20%। पहले मेरा कोड लगाना Ritika10, तब 10% ऑफ होगा, फिर फ्री कॉइन्स का देना, दोनों तभी लगेंगे जब पहले मेरा कोड लगाओगे, RITIKA10 कैपिटल में विदाउट स्पेस। SSC का जो आपका अमाउंट होगा वो आएगा 4860 एक साल का, ये SSC की फीस है, सोचो जहाँ पर भी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो, ऑल एजुकेटर्स से फेवरेट एजुकेटर्स। लास्ट में बस यहीं पे लिखा रहता है अपना पेमेंट मेथड चूज कर लीजिए, पहला वाला ही चूज कर लेना, जिसमें क्या होता है ATM कार्ड का आपको डिटेल भरना पड़ता है, डिटेल का मतलब आपको उस पर नाम और एक्सपायर कब हो रहा है वो वाली चीज़ें, ठीक। राहुल राम जी PSC की तैयारी करनी है, अनअकैडमी का प्लस पे जाइए बढ़िया से, और यहाँ पर आप लोग है ना, PSC की तैयारी करनी है प्लस पर जाइए, अनअकैडमी का प्लस कोर्स खरीदिए। तो बस याद रहे आप लोग जो भी रेफरल कोड यूज़ करने जा रहे हैं गाइस, कुछ भी रेफरल कोड यूज़ करने जा रहे हो, SSC का, ठीक है, रेलवे के लिए, बैंक का कोर्स खरीदने जा रहे हो, UPSC का कोर्स खरीदने जा रहे हो, UP SSSC का खरीदने जा रहे हो, कोई सा भी खरीदने जा रहे हो ना, मैडम का कोड हर जगह लगता है भाई, हर जगह लग जाता है, 10% डिस्काउंट के लिए इसी कोड का यूज़ करें, और दूसरे लोगों को भी बताएं जो अपनी फेवरेट, जो आप लोग के फ्रेंड्स वगैरह हैं, RITIKA10 कैपिटल में डालना है, वो भी विदाउट स्पेस, Ritika और 10 के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में गाइस, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ अभी फ्री क्लास लगने वाली है 6:15 से, अनअकैडमी पे फ्री क्लास चलने वाली है भाई, फ्री फ्री फ्री, ठीक, जल्दी से नाम सर्च करो, क्या है नाम, Ritika तोमर, और फटाफट से फ्री क्लास ज्वाइन कर लीजिए। नहीं मिलती है फ्री क्लास तो भाई इसी वीडियो के नीचे लिंक लगी है, ओके गाइस, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं कल और अभी 6:15 वाली क्लास, थैंक यू सो मच। पूजा यादव जी, Ritika की स्पेलिंग गलत है बेटा, RITIKA होता है।